वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट नंबर 35, जो कि है लाइट चैप्टर की। और ये जो आज की वर्कशीट है, इसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे बाय यूजिंग एन एक्टिविटी। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है जिससे रिफ्लेक्शन क्या होता है वो समझाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So, Aman, a very curious student of class 7th, have studied that light travels on straight path. तो ये हम सबने पढ़ा है और एक class 7th का एक student है Aman, उसने भी ये पढ़ा है कि light हमेशा सीधे रास्ते पर ही travel करती है, straight line path में ही travel करती है। पर उसका एक doubt आया, उसने ये सोचा, what will happen when light fall on a smooth surface? तो क्या होगा अगर light है वो smooth surface पर fall करे? He discussed it with his classmates and then his class teacher. तो इसने यही बात अपनी class teacher मतलब अपनी teacher और अपने classmate से discuss करी। तो उसकी teacher ने कहा कि एक activity के through हम इसे समझते हैं। और smooth surface से यहाँ पे ये need to know में यहाँ दिया है कि smooth surface का मतलब यहाँ पर क्या बता रखा है, आप किससे समझ सकते हैं? एक highly polished surface या फिर mirror। तो क्या होगा, doubt क्या था मन का कि अगर किसी मिरर या किसी भी हाईली पॉलिश सरफेस पर अगर लाइट की रेस पड़ेंगी तो क्या होगा? तो आइए इसका आंसर देखते हैं कि टीचर ने क्या दिया और कौन सी एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट की। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन सरफेस। तो क्या करना है इस एक्टिविटी में आपको? इस एक्टिविटी के लिए आपको सबसे पहले तो एक टॉर्च चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू कवर इट्स ग्लास विद ब्लैक पेपर। आपको एक ब्लैक पेपर लाना है और ब्लैक चार्ट पेपर से जो टॉर्च का ग्लास है उसे कवर करना है। पर आपको क्या करना है, यहाँ पे तीन नैरो स्लिट्स छोड़ देनी है। मतलब अगर ये ग्लास सरफेस है, ये टॉर्च का ग्लास सरफेस है, तो आपको क्या करना है, आपको बीच से ये जो चार्ट पेपर है, आप चार्ट पेपर लगाओगे ना ब्लैक कलर का, तो तीन जगह से आपको ये इस तरह से कट कर देना है जिससे यहाँ पे तीन स्लिट बन जाएंगी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड। एक वुडन बोर्ड लीजिए, उस पर एक चार्ट पेपर आप पेस्ट कर लीजिए। नाउ फिक्स अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर स्ट्रिप आपको वर्टिकली उस चार्ट पेपर पर पेस्ट कर देनी है, लगा देनी है। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विद स्लिट्स। तो अब आप क्या करोगे, ये जो टॉर्च है इसे ऑन कर दोगे और क्या कर दोगे, स्विच ऑन करके इसको, इसकी जो लाइट है वो मिरर पर आप डायरेक्ट कर दोगे, है ना। नाउ एडजस्ट इट्स पोजीशन सो दैट द लाइट फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर एट एन एंगल। अब क्या करना है आपको, इस तरह से आपको डायरेक्ट करना है इस इन लाइट रेज को कि यहाँ पे एक एंगल पर ये जो लाइट रेज है ये इन प्लेन मिरर पर फॉल करें, ठीक है, स्ट्राइक करें। तो अब इससे हुआ क्या, क्या कंक्लूजन निकल के आता है, आप देख रहे हो यहाँ पे जो डायरेक्शन है लाइट की ये चेंज हो गई है ना, सीधे रास्ते नहीं जा रही है। अब जैसी टकराई प्लेन मिरर से स्मूथ सरफेस से, हुआ क्या, ये जो लाइट रेज है ये बेंड कर गई है ना, इन्होंने क्या किया, दे चेंज देयर डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो यही जो चीज है, डायरेक्शन चेंज जो हुई है, इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन। तो यही कंक्लूजन है, अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो अगर कोई भी चीज एक मिरर के ऊपर या एक हाईली पॉलिश सरफेस के ऊपर फॉल करेगी तो वो लाइट रेज अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। एंड दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी चीज को, यही जो डायरेक्शन चेंज हुई है मिरर से टकराने के बाद लाइट रेज की, इन्हीं को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन द अबव एक्टिविटी वी आर एबल टू सी द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर। हम देख पा रहे हैं रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना, द डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट गेट्स चेंज विद द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट क्या होती है, ये जो आपने टॉर्च की ये जो लाइट इनिशियली आ रही थी इसे बोलते हैं इंसिडेंट लाइट या फिर इंसिडेंट रे। और जैसे जैसे आप ये एंगल चेंज करते रहोगे, अभी मान लीजिए आपने कुछ ऐसे इस तरह से इस एंगल में डाली है ना, अभी एक मिनट ड्रॉ कर देती हूँ, मैं ब्लैक कलर ले लेती हूँ। मान लीजिए अभी तो कुछ ये मिरर ये रहा, है ना, ये मिरर है ना, ये मिरर है,
और इससे ये एंगल बना रहा है ना, ये एंगल बन रहा है। अगर आप एंगल चेंज कर दोगे इस इंसिडेंट रे का, इस इंसिडेंट लाइट का, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, इसका एंगल भी साथ में चेंज होता रहेगा। यू हैव टू ऑल्सो लुक इन टू द मिरर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, अगर आप देखो इस डायरेक्शन में, अगर आप देखो तो आप देख पा रहे हो इमेज आपको स्लिट की दिखाई दे रही है ना। तो जैसे ही आप रिफ्लेक्टेड लाइट की दिशा में देखोगे तो आपको इमेज भी दिखाई देगी ये जो स्लिट है उसकी। तो मेन जो कंक्लूजन निकला यहाँ से वो क्या निकला कि अगर स्मूथ सरफेस पर, हाईली स्मूथ सरफेस या मिरर से अगर लाइट टकराएगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और इसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। चलिए तो अब हम पढ़ लेते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन लिखनी है। तो द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो मिरर से टकराने के बाद जो चेंज होता है डायरेक्शन में लाइट का, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, राइट टू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ स्मूथ सरफेस। तो यहाँ हमें दो एग्जाम्पल लिखने हैं स्मूथ सरफेस के। तो आप क्या लिख सकते हो, न्यू स्टेनलेस स्टील प्लेट है ना, ये भी क्या है, एक स्मूथ सरफेस है। पॉलिश मेटल सरफेस, ये भी क्या है, स्मूथ सरफेस है। यहाँ पर आप मिरर भी लिख सकते हो, है ना। तो आपकी चॉइस है, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल दे दिए हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज एन इमेज। इमेज की डेफिनेशन लिखनी है। सो द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर इज कॉल्ड इमेज। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी रिफ्लेक्शन जो हम मिरर में देखते हैं, उस रिफ्लेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, या उस अपीयरेंस को ही हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपका कोई डाउट है या आपको कुछ भी सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।